नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। कोलकाता ने आंद्रे रसेल 48 रन की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत शुक्रवार को इंडियन टी20 लीग के 17वें मैच में बैंगलोर को 5 विकेट से हरा दिया। यह कोलकाता की इस सीजन की तीसरी जीत है। वहीं बैंगलोर की यह 5वीं हार है। बैंगलोर लगातार हार रही है। मैच में एक वक्त ऐसा लग रहा था बैंगलोर इस सीजन की पहली जीत की तरफ बढ़ रही है, लेकिन 19वें ओवर में पूरे मैच का रुख ही बदल गया। 19वें ओवर में आंद्रे रसेल ने ऐसी बल्लेबाजी की, बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली के हाथ से ये मैच भी निकल गया। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए टीम साउदी के सामने थे युवा बल्लेबाज शुभमन गिल और नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े थे आंद्रे रसेल। इस वक्त कोलकाता को जीत के लिए 12 गेंदों में 30 रन की जरूरत थी। 19वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने एक रन लिया और स्ट्राइक पर आए आंद्रे रसेल। ओवर की दूसरी, तीसरी और चौथी बॉल पर रसेल ने लगातार 3 छक्के जड़े और 19वें ओवर की 5वीं बॉल पर रसेल ने चौका लगाया और इस ओवर की आखिरी गेंद पर रसेल ने फिर से छक्का लगाया। 19वें ओवर में आंद्रे रसेल के 4 छक्के और 1 चौके की बदौलत अब टीम को 6 गेंदों में 1 रन की जरूरत थी। 20वें ओवर की पहली गेंद में शुभमन गिल ने 1 रन लिया और कोलकाता यह मैच जीत गई। बैंगलोर ने 20 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 205 रनों का लक्ष्य कोलकाता को दिया था। जवाब में कोलकाता ने 5 गेंदे शेष रहते हुए यह मैच 5 विकेट से अपने नाम कर लिया। कोलकाता की तरफ से आंद्रे रसेल ने 13 गेंदों पर 7 छक्कों और 1 चौके के दम पर 48 रनों की शानदार पारी खेली, जिसके लिए आंद्रे रसेल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिपोर्ट्स इंडिया की खबर।